हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एसबी चैनल में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th और 12th के जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है जो कि आज की डेट में जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त, 5 अगस्त को शाम के 7 बजे रिजल्ट जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th और 12th का रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है mpbsc.nic.in, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा सबसे पहले वाली लिंक पर। वैसे मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वापस जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद में जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इस जगह पर आपको दिखाई देगा HSC क्लास 10th एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2019, जुलाई 2019, और HSSC क्लास 12th एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जुलाई 2019। तो ये ऊपर वाला 10th का है, नीचे वाला जो रिजल्ट है वो 12th क्लास का है। तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है रिजल्ट हमारा। अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि रिजल्ट है कैसे चेक करना है। तो प्लीज यार, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं जो कि 12th क्लास का रिजल्ट आपको देखकर चेक करके बताऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको इस लिंक पर ओके कर देना होगा। हमने इस लिंक पर ओके किया, जैसे ही हम इस लिंक पर ओके कर देंगे, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे वाली जो ऊपर वाले जो ऑप्शंस है, इसमें आपको जो आपका रोल नंबर होता है वो डालना है। इसमें सबसे नीचे वाली में डालना है एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर कौन सा डालना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। रोल नंबर कौन सा डालना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले तो हम जो रोल नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं मैंने लॉग इन कर लिया। सबमिट करने के बाद मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। इस जगह पर आपको नेम मिल जाएगा, इस जगह पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा। आपका जो भी रोल नंबर होता है वो आपका रोल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो दिखाई देंगे, सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो टोटल मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। किस सब्जेक्ट में डिस्टेंस लगा है वो आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा दे जाएगा रिजल्ट कैसा है आपका, पास, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सब जैसा भी आपका रिजल्ट है। और यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स दिख जाएंगे, कितने आपके मार्क्स आए हैं टोटल। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें 10th क्लास का रिजल्ट आपको चेक करके बता देता हूँ। तो 10th क्लास का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना होगा। तो फ्रेंड्स, 10th क्लास का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको इसी होम पेज पर आ जाना है। इस जगह पर आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर HSC क्लास 10th। तो इस 10th का रिजल्ट चेक करने के लिए हम इस लिंक पर ओके कर देंगे, ठीक है? यहाँ से हमने ओके कर दिया। इसके बाद भी हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाए, इसी में भी हमें वही प्रोसेस करना है, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल देना होगा। तो फ्रेंड्स, 10th क्लास का रिजल्ट ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस जगह पर आपका रोल नंबर, इस जगह पर आपका नेम दिख जाएगा, यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री के सब्जेक्ट दिख जाएंगे कि कितने सप्लीमेंट्री का जो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था आपने। यहाँ पर आपके जो जितने भी आपके सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट हैं वो दिख जाएंगे, जैसे कि आपने इंग्लिश का दिया था, एक मैथ का दिया था, ठीक है? तो इंग्लिश और मैथ आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। और जो बाकी के जो नंबर हैं जो पहले आए थे वही सेम नंबर रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा कि आपका कौन सा है, थर्ड डिवीजन है या फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है। इसके बाद यहाँ पर आपके टोटल नंबर दिख जाएंगे। यहाँ पर 10th क्लास का रिजल्ट है इसलिए यहाँ पर आपको एक हैज दिखाई देगा। हैज आपको उसी सब्जेक्ट में दिखाई देगा जो कि आपको पहले जब आपका 10th और 12th का रिजल्ट आया था वही आपके में उसी सब्जेक्ट में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे भी दिख जाएगा एक नोटिस। इस नोटिस में मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हैज परीक्षा परिणाम बेस्ट पाए पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम में एज से दर्शाए गए विषय के प्राप्त अंकों महायोग में सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि जब इसका जो 500 का योग निकाला गया था तब इसमें जो नंबर आए हैं जी वाला कौन सा मैथ वाला, इसको इस सब महायोग में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर इसको भी सम्मिलित किया जाता महायोग में
तो जो मार्क्स हो आपके जो होते वो डिवाइडेड बाय 600 से होते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया तो डिवाइडेड बाय 500 से दिया है। तो ये है, अब मैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जो रोल नंबर है और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो कैसे डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक कैंडिडेट का मेरे पास में एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो आपको कौन सा डालना है, जो एमपीबीएससी की तरफ से दिया गया था वही आपको डालना है, जो आपको सप्लीमेंट्री में मिला था, जो स्लिप आपको सप्लीमेंट्री मिली थी उसमें आपको ओनली रोल नंबर दिखाई देगा, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो नहीं दिखाई देगा। तो जो आपके पास में एमपीबीएससी का जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसमें इस जगह पर तो आपका रोल नंबर दिखाई दे जाएगा, और इस जगह पर आपको दिखाई देगा आपका एप्लीकेशन नंबर कौन से खाने में, 1 2 3 4, 4 नंबर पर आपको दिखाई देगा आपका एप्लीकेशन नंबर और 6 नंबर पर आपका रोल नंबर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर एक जो कि एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया गया है, या जो कि दूसरा चैनल स्टार्ट किया गया है, क्या क्या नाम से, शुभम गुप्ता ब्लॉग्स के नाम से एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है। तो प्लीज यार उसको सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही उस चैनल पर हमारे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, लाइव चैनल जो कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा उस पर, और हम लाइव आया करेंगे और आपके जो भी कमेंट हुआ करेंगे उसके हम रिप्लाई दिया करेंगे और जो लाइव बातचीत किया करेंगे। तो प्लीज यार जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो साथ, तब तक लिए।